बटाला तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर हेठ वड्डी गिनती च किसानां दा जत्था मोहाली विखे चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चा च उसके समर्थन अते उस मोर्चे च शामिल होने लई रवाना होया। उत्थे ही किसान आगुआं ने कहा कि सजावां भुगत चुके बंदी सिंघां ने जुलम के खात्मे लई उदों अपने हकां लई आवाज चुकी अते सिंघ अपनियां सजावां पूरी कर चुके हैं, पर केंद्र सरकार वालों उन्होंने जान बुझ के रिहा नहीं किया जा रहा, जबकि इस देश में बलात्कारियों को पैरोल पर भेजा जा रहा है। राजीव गांधी की हत्या कतल वाले कातल बाहर घूम रहे हैं, पर जिहड़े बंदी सिंह अपनियां सजावां भुगत चुके हैं उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जो मोर्चा सिख कौम दीआं मंगां अते हकां लई चल रहा है वह जायज़ मंगां हन अते वह उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। जिवें उन्होंने किसानी मंगां लई मोर्चा च शामिल होए सी उत्थे ही हुण उस मोर्चे विच भी जाके हिस्सा लैण जा रहे ने। अज दा जो मोर्चा वा जो मोहाली विखे कौमी इंसाफ मोर्चा लगा वा बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते और बैबल कलां बरगाड़ी कांड दोषियों सज़ा दवाउण वास्ते और होर भी जिहड़ियां कौम दीआं मंगां ने उहनां नूं मनाउण वास्ते जिहड़ा मोर्चा लगा पक्का उस मोर्चे की हिमायत वास्ते अज्ज संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक उहदे विच पंजाब किसान मजदूर यूनियन अपना हिस्सा पा रही आ। सारी जिहड़ी आ गैर राजनीतिक मोर्चे की लीडरशिप जिहड़ी आ मोहाली इकट्ठी हो के उस मोर्चे नूं सपोर्ट करन वास्ते जिहड़ी अज्ज आपां जा रहे आ। जनता तुसीं अपने फोटो 'च वेख लो किन्नी आ, गिणती तां मैं कीती नहीं आ, फिर भी मैं लगता भी 200 तो उपर इन्हों का है वा जथा 250 तो उपर होना वा। तो हाले जी गुरदासपुर तो जो जथा सा वो नाल मिल रहा हूँ। कोई भी सरकार ने लोगों की मंग मनने वास्ते उन्होंने को टाइम नहीं हुंदा, उन्होंने को अपने ऐशप्रस्ती वास्ते अपने अपने हकों वास्ते सरकार जड़िया ना अपने फायदे वास्ते कर दी, लोगों वास्ते कोई सरकार नहीं करती। लोगों अपने हक लैन वास्ते संघर्ष करना पैंदा वा और संघर्ष अज नहीं आजादी तो पहलों के भी चलते आए और हुण भी चलते आ और अगे भी चलते रहेंगे और यह संघर्ष जो इस तरह लोग जो करते हैं फिर ही उनकी मंगा मनी जाती है। मैं नरेंद्र सिंह कुबला बामा किसान मजदूर यूनियन पंजाब, अज साडा एक बड़ा वड्डा जसा जो आ वो चंडीगढ़ मोहाली नूं रवाना हो रहा वा। साडा मुख बेस यो आ भी जो बंदी सिखां दी रिहाई नहीं हो रही उन्हां नूं समर्थन देना वा होनी चाहिए आ, पर यह जिहड़ियां सरकारां ने यह रिहा करके खुश नहीं, इन्हों अपना पाला वा चोर बंदे अपना पाला हों भी जे वो सिंह बाहर आ गए इस करके रिहाई नहीं हो रही। सो अं जा रहे समर्थन कर, इनू पता वा इतिहास गवाह वा भी जिते जथेबंदियां हट जाए ने अं अपना हक लीके छड़दे आ, चाहे सूरज इधर हो जाए हक लीके छड़ना वा तो लवेंगे। सो ये जेडे मोर्चे अज नवा नहीं चलन लगा, बड़े 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 मोर्चे लगे आ, जे 13 महीने दिल्ली छकते हैं तो ये तो कोई वड्डी गल नहीं। सो असी ये सरकार नूं कहना चाहुंदे आ भी बंदे दे पुत बन के जिहड़े रिहाई करो सिंघां दी उह अपने घर आउण। मेरा नाम मुख्तार सिंह गुगरेवाल, पंजाब किसान मजदूर यूनियन कोर कमेटी मैंबर पंजाब। असी जिहड़ा इंसाफ मोर्चा मोहाली लगा उत्थे जत्था लैके जा रहे हैं और उन्हां दी सपोर्ट जा रहे हैं, तां करके जिहड़ियां साडियां हकी मंगां ने जिहड़ियां बड़े चिरां तों इंसाफ मंग रहे आ, बंदी सिंघां दी रिहाई करनी, पंजाब दे हक अपनियां मंगां सरकार को ये दसण वास्ते जा रहे हैं। ये जिहड़ियां मंगां ने बिल्कुल जायज़ ने ते पंजाब दे लोकां नाल बाकी सूबे नाल वखरा जिहड़ा वा वो वतीरा किया जाता उहदे रोस वजों आपां जा रहे हैं, उहनां दे हक जा रहे हैं। वेखो जी संघर्षां नाल ही सब कुछ मिलिया, आज़ादी मिली संघर्षां नाल, हक मिले संघर्षां नाल। जो लोग लड़दे ने वह भावें फांसियां ते चढ़दे ने भावें जेलां जांदे आ, वो जिदा संघर्ष करते हक फिर ही मिलते आ, कभी सरकार ने थाली परोस के कोई हक नहीं करता। ये लोग लड़ते आ तो हक मिलते आ, असी लड़न वास्ते जा रहे हैं, भावें सानू जेलों डक देन भावें गोलियां मार देन भावें जो मर्जी कर, पर असी हकों वास्ते हमेशा लड़ते रहे हैं तो लड़ते रहेंगे।